तो दोस्तों यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 2.5 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पर 250 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू में सिर्फ 2.6% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 6% गिरकर 233 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप परफॉर्मेंस को देखोगे एकदम देखा जाए फ्लैट परफॉर्मेंस है, ना तो ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और नहीं तो ज्यादा डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर भी 3% की ग्रोथ ही हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिली है। एट दी एंड अगर प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करें तो वो वहां पर भी हमको 5% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इसे नेगेटिव वे में लेगा। अब ये देखिए 17,116 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। देखिए अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग से आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अब वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं दिखाओगे, जो मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है उतनी ग्रोथ नहीं दिखाओगे तो मार्केट आपको अंडर वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कराएगा। और अगर आप मार्केट जितनी ग्रोथ चाहता है उससे ज़्यादा ग्रोथ अगर आपकी कंपनी में देखने को मिलेगी तो आप इंडस्ट्री के कंपेरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशन पर आपके शेयर को ट्रेड कराया जाएगा। तो इसीलिए ये बातें हमको समझनी होगी। अब देखिए पिछले 4 साल से तो लगातार यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वाइज देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 10% की ग्रोथ देखने को मिली और यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 5-6% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। तो 10% से ज्यादा की ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में देखने को नहीं मिल रही है। अब उसके अलावा अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें हम तो देखिए यहाँ पे 2018 में कंपनी का प्रॉफिट गिर गया, 19 में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई और 20 में से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। तो अगर आप देखोगे बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी यहां पर बिजनेस में नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए ग्लेनमार्क फार्मा के लिए थोड़े से टफ सिचुएशन यहां पर नजर आते हैं। अब ये देखिए 607 पे यहां पे ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 994 का इसका 5 इयर्स का हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड ये शेयर आपको 35% ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। और देखिए कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं मेरे ख्याल से एकदम नेगेटिव वे में इसे मार्केट में मेरे ख्याल से लेना चाहिए मार्केट को इसको, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10% की ग्रोथ हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलनी चाहिए। रेवेन्यूज की अगर हम बात करें वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो एज अ शेयर होल्डर यहाँ पर इस काउंटर पर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना मेरे ख्याल से मना ही रहेगा। मेरी यहाँ पे बिल्कुल भी एडवाइस नहीं रहेगी कि आपको ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करें जो लोग पहले से इन्वेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए, देखिए जो लोग यहाँ पे पहले से इन्वेस्टेड है मेरे ख्याल से जो मार्केट लीडर्स हैं सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेडीज लैब, डिवीज लैब, तो वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे फेवरेबल नजर आते हैं एज कम्पेयर टू ग्लेनमार्क फार्मा। क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ अच्छे से नजर आती है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, फिर उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आप मार्केट लीडर्स के साथ रहिए ना कि ग्लेनमार्क फार्मा के साथ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ग्लेनमार्क फार्मा के क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।